हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा प्रकाशित हिंदी कक्षा प्रथम के प्रथम पाठ के प्रश्न अभ्यास को समझेंगे जानेंगे। नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। चलो, क, किसने सूरज चांद बनाया, और ये प्रश्न है इसलिए प्रश्न के साथ में जो है सो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इस प्रश्न में जो किसने शब्द आया है देख रहे हैं, यहाँ ये प्रश्न सूचक शब्द है, इसी किसने के स्थान में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। तो किसने सूरज चांद बनाया है बच्चों, ईश्वर ने, तो किसने के जगह में लिखेंगे ईश्वर ने, और सूरज चांद के जगह में सूरज चांद, बनाया के जगह में बनाया, और ये उत्तर है इसलिए इसमें पूर्ण विराम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा उत्तर हो गया ईश्वर ने सूरज चांद बनाया। ख, किसने धरती रच दी है, और प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न में जो किसने शब्द आया है ये प्रश्न सूचक शब्द है, इस प्रश्न सूचक शब्द के स्थान में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। तो किसने धरती रच दी है बच्चों, ईश्वर ने, तो किसने के स्थान में लिखेंगे ईश्वर ने, क्या लिखेंगे बच्चों, ईश्वर ने, फिर धरती, धरती रच, रच दी, दी है, है, और उत्तर में पूर्ण विराम देंगे, ठीक है। तो उत्तर हमारा हो गया ईश्वर ने धरती रच दी है। नेक्स्ट, ग, किसने पंछी को गीत सिखाया, प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। चलिए अब यहां देखते हैं कि कौन जो है सो प्रश्न सूचक शब्द है, तो किसने जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है, इस किसने के स्थान में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। किसने पंछी को गीत सिखाया बच्चों, तो ईश्वर ने, तो किसने के स्थान में हम लोग लिखेंगे ईश्वर ने, पंछी, पंछी को गीत, गीत सिखाया, सिखाया, और उत्तर है इसलिए क्या देंगे, पूर्ण विराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घ, किसने मानव जन्म दिया है, प्रश्न है इसलिए ये क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। उत्तर लिखेंगे किसने जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है, इस किसने के स्थान में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। तो किसने मानव जन्म दिया है बच्चों, ईश्वर ने, तो किसने के स्थान में लिखेंगे ईश्वर ने, मानव जन्म दिया, दिया है, और उत्तर है इसलिए इसमें पूर्ण विराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा, किसने जीवन का वरदान दिया है, प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो किसने जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है, इस प्रश्न सूचक शब्द के स्थान में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। तो किसने जीवन का वरदान दिया है बच्चों, ईश्वर ने, तो किसने के स्थान में लिखें ईश्वर ने, जीवन का वरदान दिया है, और उत्तर में पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, खाली स्थानों को भरें, अबर जो है सो खाली स्थान में हम लोग को भरना है। देखते हैं क में, उसने तारों को खाली स्थान, तो उसने तारों को क्या क्या बच्चों, चमकाया, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, चमकाया, और नीचे लाइन दे देंगे, ठीक। ख, खाली घर को तो गीत सिखाया, किसको गीत सिखाया बच्चों, पंछी को, तो यहाँ खाली घर में हम लोग क्या लिखेंगे, पंछी, क्या लिखेंगे बच्चों, पंछी लिखेंगे, और नीचे लाइन दे देंगे, ठीक। ग, उसने खाली घर जन्म दिया है, उसने क्या जन्म दिया है, मानव जन्म दिया है, इस खाली घर में हम लोग क्या लिखेंगे, मानव, और नीचे क्या दे देंगे, लाइन। उस
को सदा मनाओ, उस ईश्वर को सदा मनाओ। यहाँ खाली घर में हम लोग ईश्वर लिखेंगे, ठीक है, ईश्वर लिख दिए और इस तरह से हमारा खाली स्थान पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद बबुआ साहब।